गोरखपुर महोत्सव के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर से समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए सभी उत्पादों की मंडलीय सरस मेला में 17 स्टॉल लगाए गए हैं। हस्त निर्मित उत्पादों के विक्रय और प्रोत्साहन के लिए प्रदेश सरकार की यह सुनहरी पहल है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद महिलाओं द्वारा हाथ से निर्मित विभिन्न प्रकार के उत्पादों का सरस मेले में प्रदर्शनी लगाया गया है। रविवार को मंडलीय सरस मेले में वरिष्ठ और युवाओं ने छुट्टी का फायदा लिया। सरस मेले में ज्वेलरी, सोलर ऊर्जा से जलने वाले लैंटेन सहित अन्य विद्युत उपकरण, केले के पेड़ से बने सजावट के सामान, तिल, गुड़ के लड्डू, लाई, रामदाने, तिल और सौंठ से बने गुड़, कपड़े से बने बच्चों के खिलौने, फास्ट फूड, खाद्य पदार्थ, कृषि कार्य हेतु उपकरण सहित आध्यात्मिक, साहित्यिक, सामान्य ज्ञान और ज्ञानवर्धक पुस्तकों के स्टॉल भी लगाए गए, जिनको महानगरवासी खरीद रहे हैं और सरस मेले का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। इस संबंध में गौरवपुनी संवाददाता से बात करते हुए मेले में आए नागरिक और जिला मिशन प्रबंधक अभिषेक वर्मा ने कहा। कितने का है जो महिलाओं द्वारा इतना बनाया हुआ है और ये खराब होगा तो उसे बन जाएगा। दोनों खाली बिटिया और अभी आ गया है लड़का, कल आ जाएंगे तो मुफ्त से पांडे जी कहाँ गए वहाँ तक गए? तीन सौ रुपये रेट है ये थोड़ा पंजाब रुपये जी। कौन ले सुना शुगर के लिए? अच्छा कितने बढ़ जाइए जुड़ा जो करता होगा जॉब कोई भी ले लीजिए। मेरा पंकज सिंह, मैं इस समय गोरखपुर महोत्सव में आए हैं और यहाँ पे जो बुक स्टॉल लगा हुआ है इसका जो है कि लुत्फ ले रहे हैं। कुछ बुक्स भी हमने लिया है। किस तरह के बुक्स यहाँ पे कितना प्रभावित किया आपको? यहाँ पे लगभग सारे प्रकाशन के बुक्स हैं, जैसे राजकमल प्रकाशन हुआ, पत्रिका पब्लिकेशंस वगैरह हुआ, तो यहाँ पे साहित्यिक बुक्स भी हैं और बच्चों के भी बुक्स हैं और बाकी जो तमाम तरह के और भी
आध्यात्मिक क्षेत्र के भी बुक्स हैं यहाँ पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बुक्स हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, एक मतलब कि समावेशी माहौल है। अनुराग उपाध्याय, हम यहाँ पे किताबों की खरीदारी किए हैं, कुछ साहित्यिक किताबों की, कविता वगैरह की। प्रधीर सिंह, मैं यहीं गोरखपुर जनपद का रहने वाला हूँ और मुझे सबसे अट्रैक्टिव किया है यहाँ के किसानों के लिए जो है, जो पेड़ पौधे या साग सब्जी जो भी लगा हुआ है, बड़े बड़े फूल गोभी के फूल थे वहाँ पे, उसके बाद देखा हूँ खाद बीज, ये सब बहुत अट्रैक्टिव किया है और ये किसानों के लिए बहुत उपयोगी चीज़ भी है। यहाँ किसान लोग, मैं तो यही कहूँगा, मैं भी किसान परिवार से ही हूँ, यहाँ किसान भाई आएँ और देखें, इसका लाभ उठाएँ। मेरा नाम अंकित यादव, गोरखपुर महोत्सव आए हैं। गोरखपुर पहले से बहुत अच्छा हुआ है, योगी जी का यगढ़ है और पहले से बहुत अच्छा शानदार शो हो रहा है और होता भी रहेगा आगे। ये प्रदर्शनी में किस तरह का ये लगा हुआ है, यहाँ पे जो स्टॉल लगे हुए हैं, कैसे है? ये पहले से बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छा ही माना जा रहा है, हर चीज़ की है, पुरानी रामकथा होता और जो भी पुराने ज़माने का जो भी है ऐतिहासिक चीज़ है, बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम अमित सिंह है और मैं आया हूँ गोरखपुर महोत्सव में, और यहाँ जो है बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहे हैं और यहाँ जो स्टॉल लगे हुए हैं सारे स्वदेशी हैं, हैंडमेड है सारे, और सब खुद लोगों ने बनाकर बेच रहे हैं, खुद लोगों का रोज़गार बढ़ रहा है इस कारण से और बहुत प्रॉफिट है इसमें लोगों का, और योगी जी का गढ़ है ये चूँकि, तो बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं यहाँ पे। धन्यवाद। मेरा नाम सतीश श्रीवास्तव है। मैं अभी गोरखपुर महोत्सव में, इतफाक था कि मुझे आज ही समय मिल पाया, इसके पहले नहीं आया था, अभी मैं घूम रहा था तो एक गुड़ की स्टाल मुझको दिखाई दी, मैंने कहा यहाँ गुड़ क्यों बिक रहा है, कोई खासियत होगी तभी, तो मैंने मैडम से पूछा कि ये गुड़ में क्या खासियत है, तो इन्होंने कहा कि इसमें सौंठ मिला हुआ है, इसमें तिल मिला हुआ है। मैंने कहा ऐसा गुड़ तो शहर में कहीं नहीं मिलता, हम लोग खोजते हैं तो नहीं मिलता, जरा टेस्ट कराइए। तो इन्होंने बड़े खुशी खुशी टेस्ट कराया, मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा, ये जाड़े में तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा, और मैंने 4 किलो पूरे खरीद लिए हैं, अपने अपने घर परिवार में, भाई बहन बेटे, मेरा बेटा दिल्ली से आएगा उसको गुड़ बहुत पसंद है, ये गुड़ खा करके वो बहुत खुश होगा, और मुझे बहुत खुशी हो रही कि इतना बढ़िया ये स्टॉल लगा हुआ है गुड़ का, जो कि गुड़ बहुत मामूली सी चीज़ समझी जाती है, लेकिन स्वादिष्ट में ये चीनी से कहीं बेहतर है और स्वास्थ्यप्रद भी है, क्योंकि इसमें स्वाद जो है सौंठ और उसके तिल मिल जाने से अलग ही हो गया है। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है, मैं जिला मिशन प्रबंधक गोरखपुर। यहाँ पे मंडली सरस मेला जो हमारा पूरे साल में किया जाता है हर साल, उसी के थ्रू हमारे गोरखपुर मंडल में कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज और गोरखपुर तीनों जगह से समूह की महिलाओं के द्वारा जो उत्पाद तैयार किया गया है उन्हीं की प्रदर्शनी और बिक्री के लिए लगाया गया है, जिसमें यहाँ पे हमारे 17 स्टॉल लगे हुए हैं सरस मेला में। ये हमारा 17 तारीख तक चलेगा इनका स्टॉल पूरा, जब तक इनकी बिक्री होती रहेगी 17 तारीख तक इनका लास्ट रहेगा। जी बहुत बढ़िया रिस्पांस मिल रहा है, महिलाओं ने अपने शुद्ध उत्पाद अपने हाथों से तैयार किया गया, बाकायदा इनकी ट्रेनिंग हुई है, सारी चीज़ें फाइलें बना रही हैं औरतें, धीरे धीरे इनका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आगे बढ़ने के लिए इनको और इधर से प्रेरित किया जा रहा है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा।